अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, उस सिलसिले में ही मैं बस व्लॉग बनाना शुरू कर दिया कि शायद इसी से टाइम पास हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घरों में महफूज होंगे, खैरियत से होंगे। बस दुआ करें जल्दी से ये कोरोना वायरस ख़त्म हो और सारी चीज़ें नॉर्मल रूटीन में आएँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा व्लॉगिंग करने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि करने का मूड था, लेकिन हालात और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि घर में स्टक हो गए हैं, तो सोचा क्यों ना व्लॉगिंग की जाए। बाहर तो नहीं जा सकते, तो घर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, तो बस उसी सिलसिले में आज व्लॉग बना रहे हैं। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। बात आगे पीछे जाने की, दूसरी जगह व्लॉगिंग की, तो इसी उम्मीद के साथ मैंने ये व्लॉगिंग शुरू की है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ताकि डिफरेंट इलाके डिफरेंट एरियाज़ में कवर करूँगा, उसमें आप मेरे साथ रहें, ताकि हर आने वाले वीडियो के साथ आपको एक नया एरिया देखने को मिले। तो रही बात आज की वीडियो की, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गुलशनाबाद आबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जिन लोगों को नहीं पता वो इंटरनेट पे सर्च करें, गूगल में, गूगल तो आपको पता है सब कुछ है उसमें, तो गूगल पे आप सर्च करो तो वो आपको नज़र आ जाएगा कि आबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, कहाँ पर है, कैसे है। बहरहाल मैं आपको इस वीडियो में जा रहा हूँ दिखाने अपनी सोसाइटी। बहुत अच्छे लोग यहाँ रहते हैं, बहुत मज़ा आता है। बेसिकली मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, मैं दुबई में होता हूँ, मैं दुबई में होता हूँ, तो वहीं जॉब करता हूँ, तो सम टाइम फैमिली मेरे साथ होती है, सम टाइम नहीं होती। तो आजकल मैं आया हुआ था छुट्टी, तो ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है, तो यहीं हो स्टक होकर रह गया, तो इसीलिए वापस जा नहीं सका। कोई बात नहीं, एंजॉय करते हैं अपना ये वीडियो, आगे चल के आपसे और गपशप होगी। दो तीन दिन से बारिशें लगी हुई हैं, बहुत सारी बारिशों की वजह से बहुत खुशगवार मौसम हो गया है, तो कैसे एक दरख्त, एक एनवायरनमेंट कैसे खिला खिला। तो कोशिश करनी चाहिए कि दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि एनवायरनमेंट ठीक रहे, सब कुछ नॉर्मल रहे। तो हमारे गुलशनाबाद में एक मज़े की बात है, यहाँ के जो मिट्टी है बहुत ज़रखेज़ है। यहाँ पे ऐसा है कि जब भी आप कोई किसी किस्म का पौधा लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से खिलता है, बहुत अच्छे से वो बड़ा होता है। उम्मीद करता हूँ आप भी अपने घरों के आगे पीछे पौधे लगाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, आज के बाद मैं डेली एक व्लॉग बनाऊँगा, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग देखा करेंगे और इन्जॉय करेंगे। फ़िलहाल तो मैं कहीं व्लॉगिंग करूँगा, और आसपास के जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दिखाऊँगा। जब हालात ठीक हुए, नॉर्मल हुए, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के भी दिखाऊँगा, और दुबई जब जाऊँगा तो दुबई का भी दिखाऊँगा। अपनी दुआओं में याद रखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।